भरूच जिल्लाना विलायत जीआईडीसीमां आवेला बिरला ग्रासिक कंपनीना ऑक्सीनरी प्लांटमां हाइड्रोजन सल्फर गैस लीकेज थता 10 कामदारोने झेरी गैसनी असर थता तेमने सारवार माटे भरूच खानगी होस्पिटलमां दाखल करवामां आव्या हता। भरूचना विलायत जीआईडीसीमां आवेल बिरला ग्रासिम कंपनीमां गैस लीकेज थता कामदारोमां नासभाग मची जवा पामी हती। आ गैस लीकेजना कारणे आसपासना गामोमां भय व्यापी जवा पाम्यो हतो। आ गैस लीकेजना कारणे 10 जेटला कामदारोने असर थता तेमने सारवार माटे भरूचनी खानगी होस्पिटलमां दाखल करवामां आव्या हता, ज्यां बे कामदारोनी हालत गंभीर होवानुं जाणवा मळ्युं छे। पवन कुमार है। कौन सी कंपनी से हो? ईपीपी कंपोजिट्स। अच्छा, क्या घटना हुई है? एक्चुअली लोग काम कर रहा था, 10:30-11 के आसपास काम कर रहा था। कौन सी कंपनी है? ग्रासिम, आदित्य बिरला ग्रासिम है, विलायत। जो काम करने का टाइम पे है, तो दूसरा पाइपलाइन कोई लीकेज हुआ होगा गैस से, और ये लोग बेहोश हो गया था। कितना आदमी थे? 2 ही बंदा है। अच्छा, क्या नाम आपका? कृष्ण कुमार वर्मा। क्या हुआ था? सर, आदित्य बिरला ग्रासिम में काम कर रहे थे, गैस लीकेज हुआ, अचानक बेहोश हो गए। आदमी कुछ पता नहीं चला कब कैसे क्या हुआ, हॉस्पिटल लाए कब। कितने लोग काम कर रहे थे? सर, 2 लोग वहाँ पे थे जहाँ काम कर रहे थे। कौन सा गैस था? H2S सर। आपने क्या किया? सर, हम तो अपना काम कर रहे थे, पानी लाइन का पाइप का वो डाल रहे थे, लेमिनेशन कर रहे थे, लेकिन कहीं दूसरी साइड से गैस लीकेज हुआ। कितनी उम्र है आपकी? 27 साल का। 27 साल। कितने टाइम से अंदर काम कर रहे थे आप? सर, 1 साल। कितना? 1 साल।